खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मोहम्मद सैफ निजामुद्दीन निवासी मकान नंबर 153 अहाता रुस्तम खां पॉलिटेक्निक चौराहे के पास श्यामला हिल्स भोपाल द्वारा वार्ड क्रमांक 22 पार्षद श्रीमती रईशा मलिक पर आरोप लगाया है कि वे उनकी निजी संपत्ति पर पार्क बनाने जा रहे हैं। मेरे द्वारा अपने स्वामित्व के सभी दस्तावेज उनको दिखाए गए, किंतु वह मुझे धमकी दे रही हैं कि वह पार्षद निधि से उक्त कार्ड मेरे स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखंड पर कब्जा करवाएंगी। मैं उक्त भूखंड का स्वामी एवं आधिपत्यधारी हूँ तथा नगरपालिका निगम भोपाल का उक्त भूखंड से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद भी श्रीमती रईशा मलिक पार्षद वार्ड क्रमांक 22 मेरे स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखंड पर बलपूर्वक कब्जा कर पार्क के रूप में विकसित करने की धमकी दे रही हैं। मेरे द्वारा नगर निगम आयुक्त महोदय एवं श्रीमान महापौर महोदय को एवं अतिरिक्त पुलिस महोदय को इस घटना की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और मुझे न्याय नहीं मिला है। वहीं पार्षद रईसा मलिक का कहना है कि मोहम्मद शेख निजामुद्दीन के सभी दस्तावेज फर्जी हैं। मैं पार्क अपने लिए, अगर उनका कहना है, वैसे तो मैं वहाँ पर पार्क बना नहीं रही हूँ और वहाँ पर खाली एक जो पार्किंग होती है, जो गंदगी पड़ी रहती है वहाँ पर, लोग कचरा डंप करते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए मैं एक वहाँ पर सीसी करके और वहाँ पर उसको करके अपन ब्लॉक वगैरह लगा के, ताकि जो चीज़ों काम हो रहा है, गाड़ियाँ आज भी खड़ी हो रही हैं और मुझे लगता है कल भी वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती, ऐसे जैसा कि मैंने कहा था। और जब जो उनकी बात थी, तो उन्होंने मुझे जो पेपर दिखाया वो सिर्फ ओनली सिटी सर्वे दिखाया, सिटी सर्वे जो आज के दौर में मान्य नहीं है, गवर्नमेंट ने उसे अमान्य कर दिया है। और तालाब से बिल्कुल लगी, जड़ से लगी हुई ज़मीन है। वैसे भी एनजीटी और गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, तो वहाँ की गंदगी को देखते हुए, तालाब के किनारे को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, मैंने वहाँ पर एक पेवर्स ब्लॉक की उसकी फाइल बनवा के उसका काम करवा रही थी। प्लॉट है वहाँ, तो वहाँ की पार्षद रईसा मलिक उस पर कब्जा कर लेंगे। मैं वहाँ सफाई करवा रहा था तो अचानक रईसा मलिक आई, उन्होंने मुझसे कहा आप ये क्या करवा रहा है। मैं कहा मेरा प्लॉट है, मैं सफाई करवा रहा हूँ, फिर आपका नहीं है। उन्होंने कागज़ दिखाइए, मैंने कागज़ दिखाने उनके घर गया तो उन्होंने कागज़ देखने से इनकार कर दिया। 1982 से वो मेरे पास है, उसके टैक्स भी आज मैं जमा कर रहा हूँ, अलॉटमेंट लेटर मेरे पास है और NOC परमिशन मेरे पास है। 2020 तक का मैं टैक्स जमा कर चुका हूँ। उसके बाद भी वो कह रही है यहाँ पार्क बनाऊंगी, वो तालाब के किनारे वो प्लॉट है, तालाब के किनारे पार्क कैसे बना सकती हैं। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अमन खान के साथ संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।